हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, आपके बॉडी में, आपके स्लीपिंग पैटर्न में, आपके खाने पीने में। वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर ही हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को नींद बहुत कम आती है, कुछ लोगों को लेटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो भी मिथ्स थे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि आप इस तरीके से लेटें या इस तरीके से ना लेटें, फिर उसके बाद हमने रिसर्च किया उसके ऊपर, अपने डॉक्टर से डिस्कस किया, और वो सब डिस्कस करने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मेरी प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ्स तक, जो भी प्रॉब्लम्स मुझे आई, जो भी सॉल्यूशंस हमने निकाले, वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी अभी न्यू मॉम्स हैं या जो भी टू बी मॉम्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि जो पॉइंट्स मेरे लिए मुझे काम आए, हो सकता है कि वही उनके काम भी आए, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, कि उसमें से पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको सोना किस तरीके से है, मतलब कौन सी साइड पे आपको सोना है। क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि आपको सीधे नहीं सोना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए, आपको लेफ़्ट साइड नहीं सोना चाहिए, आपको राइट साइड नहीं सोना चाहिए। तो बेसिकली सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। पर डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि स्टार्टिंग 3 मंथ्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पोजिशन में सो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपका बेबी बहुत छोटा होता है। अगर आप पेट के बल भी लेटते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप उल्टे लेटें, आप राइट साइड पर लेटें, आप लेफ़्ट साइड पर लेटें, आप किसी भी तरीके से लेट सकते हैं, जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल हो। और आफ्टर 3 मंथ्स जैसे जैसे आपका पेट थोड़ा सा बढ़ने लगता है, आप खुद ही अपने हिसाब से पेट के बल नहीं लेट पाएंगे, आपको खुद को ही डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स आपको लेफ़्ट साइड पर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। बट फिर भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लग रही हो, इवन लेफ़्ट और इवन राइट, आप किसी भी साइड पर सो सकते हैं, बस सीधे आपको नहीं सोना चाहिए। पेट के बल तो डेफिनेटली आप नहीं सो पाएंगे या आप नहीं लेट पाएंगे, आपको सीधे भी नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि उससे डॉक्टर्स का कहना है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो सीधे आप कोशिश करके ना लेटें, आप लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा बेटर है लेटें, और फिर भी अगर आपको कम्फर्टेबल है राइट साइड पर तो आप राइट साइड पर भी लेट सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कभी भी लेग्स में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, आपको हैवीनेस लग रही है, या लेग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, आप लेट जाएं। अगर आपका 7 या 8 मंथ चल रहा है या 6 मंथ भी चल रहा है तो आप सीधे नहीं लेट पाएंगे, आप बेशक करवट लेके लेट जाएं और अपने पैरों के नीचे 1 या 2 पिल्लो रख लें, जो भी आपको कम्फर्टेबल हो। तो आपकी लेग्स का पोजिशन थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपकी लेग्स की जो प्रॉब्लम है वो इमिजिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये आप डेली भी कर सकते हैं, आप डेली कम से कम 20-25 मिनट के लिए इसको ज़रूर करें, आपको खुद को फील होगा कि आपको बहुत बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ये किया है, हर दिन किया है, और जब भी मुझे लेग्स में कुछ भी प्रॉब्लम लगता था तो मैं ये करती थी। आजकल मार्केट में बहुत सारे सपोर्टर्स, पिलो सपोर्टर्स स्टमक के लिए और आपके हाथों के लिए और आपके लेग्स के लिए और आपके हेड के लिए बहुत सारे सपोर्टर्स अवेलेबल हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए आप वो ले सकते हैं। या आपको लेटने में अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप 2, 3, 4 पिल्लो कोई अपने हाथ के नीचे या कोई अपने नेक के नीचे, कोई आप लेग के नीचे, जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल हो आप उस पोजीशन में लेटिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर अच्छे से लेट ही नहीं पाएंगे तो आप सो भी नहीं पाएंगे, और इस टाइम पे मिनिमम 7 to 8 hours आपको सोना बहुत ज़रूरी है, आपको नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, और अगर इससे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने डिनर का बहुत ध्यान रखें, आप कम से कम सोने से 2 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश कर लें। प्रेगनेंसी टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बट आप अपना डिनर फिनिश कर लें। अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप थोड़ा सा कुछ बाद में भी ले सकते हैं। जल्दी डिनर करने का पर्पस ये है कि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डाइजेशन की वजह से भी नींद नहीं आती है,
और प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका डाइजेशन सिस्टम वैसे भी बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेती है कि आपका जो भी खाना अंदर जा रहा है बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, तो आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट थोड़ा स्लो होता है। आप अगर जल्दी खाना खा लेंगे तो सोने के टाइम तक वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। तो आप सोने से पहले हैवी फूड बिल्कुल ना लें, फ्राइड फूड बिल्कुल ना लें, आप लाइट फूड लें, आप हेल्दी फूड लें, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आप कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें। और नींद आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आप बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं। आप लाउड म्यूज़िक नहीं सुने, आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको नींद आ जाए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्टडी में बिज़ी कर सकते हैं, अपने आप को बुक्स में बिज़ी कर सकते हैं, अपनी किसी हॉबी में बिज़ी कर सकते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी टाइम पे जब भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आप ठीक से सो पाएंगे, आप ठीक से खा पाएंगे, आपको अपने आप को हैप्पी रखना है, आपको अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, आपको अपने आप को बहुत रेस्ट वाली पोजीशन में रखना है। तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी म्यूज़िक थेरेपीज अवेलेबल हैं, नींद आने के लिए बहुत सारी म्यूज़िक थेरेपीज हैं। आप यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके वो भी सुन सकते हैं, वो सुनते सुनते भी आपको नींद आ सकती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें। आप ये नहीं सोचते रहें कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बेटर है कि वो टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। यू कैन टॉक टू योर बेबी, आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, आपका बेबी वो फील कर सकता है, आप उससे बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली मैंने जैसे पहले बोला, आपको जैसे ही वो बेटर फीलिंग आएगी आपको नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे हमें डिस्कम्फर्ट होता ही रहता है, कभी वॉमिटिंग्स और कभी खाना डाइजेस्ट ना होना, ये सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के साथ लगे रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी कुछ करके, म्यूज़िक सुन के या कुछ भी करके आपको थोड़ी सी भी बेटर फीलिंग होती है तो आपकी बॉडी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है और आपको नींद बहुत अच्छे से आ सकती है। आप मसाज ले सकते हैं, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है कि आप थोड़ा बैक मसाज करवा सकते हैं, आप फुट मसाज करा सकते हैं, आप हेड मसाज कर सकते हैं। और इस टाइम पे आप दोनों की ही हस्बैंड वाइफ, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड आपको हेल्प कर सकते हैं। इस टाइम पे आप उनसे मसाज करा सकते हैं, तो उनकी हेल्प लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आप एक ही रूम में बैठे ना रहें, आप अपने रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। समटाइम्स लाइट बेडशीट रहती हैं तो हमारा मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, बहुत डार्क है तो उससे मूड अलग चेंज हो जाता है, आप ड्राइंग रूम में जाके थोड़ा वॉक कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें करिए, ये सब मेरे लिए बहुत काम आया था। मैंने जितना भी रिसर्च किया अपने आप के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, वो मेरे बहुत काम आया। आप अपने हिसाब से देखें आपको क्या अच्छा लग रहा है। मुझे स्टडी करना अच्छा लगता था, मैं वो करती थी। आप अपनी हॉबी देखें, आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज़ से रिलीफ मिल रहा है, आपकी बॉडी किस चीज़ से कंफर्टेबल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप करें, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें प्रेगनेंसी के टाइम पर, आप खाना अच्छे से खाते रहें और रेस्ट प्रॉपर करते रहें। आपको नींद आए या ना आए, आप एटलीस्ट बेड पर लेटे ज़रूर रहें, आपकी बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी चाहिए इस टाइम पर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आपके थोड़ा सा भी काम आया हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगेन, अगर चैनल पे आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जो भी वीडियो हम बनाएं उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिनको भी, जो भी न्यू मॉम्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, जो भी टू बी मॉम्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आगे भी अगर आप किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि हमें वीडियो करना चाहिए, हमें उस मैटर पे डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट पोस्ट करें, हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।